नीतीश कुमार जी पूरे देश के जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको एक मंच पर लाने का प्रयास करेंगे। जिस नजरिए से आप देख रहे हैं वो देश को देखने का नजरिया नहीं है। नीतीश कुमार जी कभी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, ये आप लोगों के दिमाग की उपज है और आप लोग इसको चला रहे हैं, पता नहीं किस एजेंडा के तहत चला रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। 3 दिवसीय जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उससे पहले जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बड़ा बयान दे दिया। अपने बयान में उन्होंने साफ कह दिया है कभी भी नीतीश बाबू प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, ये आपकी उपज है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने साफ कह दिया है कि हमारी सोच उससे ऊपर की है, हमारी सोच है कि बीजेपी के खिलाफ 24 में उन तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना है जो बीजेपी को हरा सके। जब उनसे साफ पूछा गया कि जिस तरीके से यहाँ बोर्ड लगे हैं, आप वो पहले बोर्ड भी देख सकते हैं कि आश्वासन नहीं सुशासन है, प्रदेश में दिखा है, देश में भी दिखेगा, इन तमाम बैनरों को लेकर जब उनसे पूछा गया कि इसके पीछे का राज्य क्या है, तो उन्होंने साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार ने जो बिहार में कार्य किया है वो अब देश भी देखेगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इतने सालों में कुछ नहीं किया, केवल आश्वासन दिया, उसको लेकर ये बैनर लगा है। और जहां तक प्रधानमंत्री की बात है तो कभी भी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह, पहले आप सुने। दिखने का आपका नजरिया, जो जिस नजरिए से आप देख रहे हैं वो देश को देखने का नजरिया नहीं है, लक्ष्य बहुत बड़ा है। आप बड़े लक्ष्य को बहुत ही छोटे दायरे में सोच रहे हैं। लक्ष्य बड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध सभी पार्टियों को एक मंच पर लाना, एकजुट करना और एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना, ये लक्ष्य राष्ट्रीय देखेगा। कल जो 3 दिन का आप लोग का राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक होने वाली है जो आप लोग का, तो इसमें क्या ये भी मसला रहेगा कि राष्ट्रीय स्तर पर आपके जो नेता है नीतीश कुमार जो सीएम है वो कैसे राष्ट्रीय स्तर पर जाए, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर भी वो देखे जाए? फिर आप उसको ला के वहीं सीमित सिमट दी। अभी जो हमने कहा कि बड़े लक्ष्य को आप बहुत छोटे लक्ष्य में सिमटा दे। नीतीश कुमार जी कभी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, ये आप लोगों के दिमाग की उपज है और आप लोग इसको चला रहे हैं, पता नहीं किस एजेंडा के तहत चला रहे हैं, क्योंकि आपका भी चैनल है वो एक एजेंडे के तहत चल रहा है, हम लोग उसको देख रहे हैं। लेकिन सर राबड़ी आवाज़ है। तो इसलिए विकास जी आपका भी जो चैनल है उसका भी हम लोग देख रहे हैं, उसको भी हम लोग वॉच कर रहे हैं। लेकिन किस तरह चल रहा है, कोशिश कोई कोशिश नहीं है। अरे केसीआर आ रहे हैं तो सबों को एकजुट होने का मतलब कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, सबों को एकजुट करने का मतलब है कि सब विपक्षी सभी पार्टियां एक मंच पर एकत्रित हो और सामूहिक रूप से एकत्रित होकर। यही सवाल है ललन जी कि क्या ये जो आप लोग ये बैठ के तब तय करेंगे? हाँ, मेरा यही सवाल है कि ये जो जेडीयू का जो होने वाला है इसमें क्या इस तरह के प्रस्ताव पर चर्चा होगी, राजनीतिक बहस होगी कि कैसे देश? तो जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य है वो आएंगे, उनकी भी राय सुनी जाएगी, उनके परामर्श उनका लिया जाएगा, उनके विचार भी सुने जाएंगे और उसके बाद जो फैसला हुआ होगा। लेकिन पार्टी का स्टैंड बहुत साफ है कि नीतीश कुमार जी पूरे देश के जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको एक मंच पर लाने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, ये आप लोगों के दिमाग की उपज है। सभी विपक्षी पार्टियां बैठ के तय करेंगी कि कौन मोदी जी के खिलाफ चेहरा। तो अपने बयान में सुना किस तरीके से वो मीडिया कर्मियों पर बरस गए और उन्होंने कह दिया कि आप एजेंडे के तहत खबर चला रहे हैं, इस तरीके की चीज़ कहीं नहीं है। नीतीश कुमार कभी भी पीएम कैंडिडेट नहीं है, पीएम कैंडिडेट हो भी नहीं सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया कि आने वाले समय में हम लोगों को एक बड़ी एकजुटता करनी है और बीजेपी को हराने के लिए तमाम पार्टियों को एक साथ लेकर चलना है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। धन्यवाद।